अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर द ईस्ट इंडिया कंपनी और आज हमने करने हैं क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है उ डिड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन ट्रेड यानी कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रेड पर कैसे कब्जा किया आंसर है द फ्रेंच एंड ब्रिटिश प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन ट्रेड बाय ट्रेनिंग इंडियन सोल्जर्स इन रिटर्न फॉर स्पेशल ट्रेडिंग राइट फ्रॉम इंडियन प्रिंसेस स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इंडिया में आए थे उस वक्त इंडिया के लोकल रूलर्स आपस में लड़ रहे थे और इंडिया के कुछ खास अच्छे हालात नहीं थे तो जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच यहाँ आए तो उन्होंने इस अपरचुनिटी का फायदा उठाने के बारे में सोचा उन्होंने क्या किया कि रूलर्स को ये लालच दिया कि अगर आप हमें स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स देंगे जैसा कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हम इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे इंडियन रूलर्स इस बात के लिए मान गए और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली पूरे इंडिया की ट्रेड पर कब्जा कर लिया नाउ कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर टू रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरन हेस्टिंग्स वर टू इंपॉर्टेंट फिगर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ डिड ईच वन स्ट्रेंथन कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बॉर्न हेस्टंग दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेकिन दोनों ने क्या क्या रोल प्ले किए? रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रेंथन कंपनी बाय सेटिंग अप अपने पुलिस फोर्स एंड लॉ कोर्ट्स आपको याद होगा कि रॉबर्ट क्लाइव को जब दोबारा इंग्लैंड से वापस बुलाया गया था तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन की वजह से बहुत ही खसारे में जा रही थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उसने एक ऑनेस्ट पुलिस फोर्स बनाई ताकि अगर कहीं किसी को मसला हो तो कोई रिश्वत लेकर मामला खत्म ना करा सके बल्कि उसको इंसाफ मिले इसी तरह उसने लॉ कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए ताकि अगर कोई गलत काम करे तो उसको सजा मिले कोई ऑफिशियल करप्शन ना कर सके क्योंकि जब वो आया था उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स करप्शन में बुरी तरह इन्वॉल्व थे इसलिए उसने लॉ कोर्ट्स बनवाए ताकि कोई गलत काम ना कर सके और अगर करे तो उसको सजा मिले लॉ के अकॉर्डिंगली और हेस्टिंग्स ने क्या किया हेस्टिंग्स स्ट्रेंथन बाय कंट्रोलिंग कमर्शियल टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ ट्रेड उसने कमर्शियल टैक्सेस खत्म करवाए स्टूडेंट्स आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप लाहौर से बाहर कहीं जाते हैं या किसी भी दूसरे शहर की तरफ एक शहर से जा रहे होते हैं तो आपको मोटरवे पे एंटर होने से पहले टोल पे करना पड़ता है वो आपको पे करना पड़ता है मोटरवे पे ट्रेवलिंग के लिए बिल्कुल इसी तरह उस वक्त भी इंडिया में बहुत से छोटे छोटे शहर थे। तो अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर तक जाना होता था तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती थी तो हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उसने वो पैसे माफ करवा दिए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेडिंग और भी ज्यादा आसान हो गई रेवेन्यू कलेक्शन वॉज गिवन टू ब्रिटिश कलेक्टर्स इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इन देंड ऑफ इंडियंस लेकिन हेस्टिंग्स ने रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी ताकि इंडियंस अगर कोई हेर फेर थोड़ी बहुत करना भी चाहें तो वो ना कर सके और जो भी मुनाफा आए वो सारे का सारा ब्रिटिशर्स के पास आए व्हाट वाज द रोल ऑफ मीर जाफर इन बैटल ऑफ प्लासी स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मीर जाफर कौन था मीर जाफर था सिराजत दौला की आर्मी का जनरल और क्योंकि वो हुकूमत में आना चाहता था इसलिए जब रॉबर्ट क्लाइव ने उससे कहा कि क्या वो सिराजत दौला के खिलाफ उसका साथ देगा तो मीर जाफर मान गया बेसिकली ही प्रूव्ड टू बी अ ट्रेटर ट्रेटर यानी कि गद्दार ही चेंज साइड्स एंड हेल्पड ब्रिटिश यानी कि उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया बल्कि उसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और जिस वक्त जंग के दौरान सिराजुद्दौला को आर्मी की जरूरत थी उसने अपनी आर्मी नहीं भेजी अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ

कि वो बड़ी बड़ी रकम रिश्वतों में दें एंड फ्रीइंग ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स फ्रॉम टैक्सेस और ब्रिटिश ट्रेडर्स जिनको थोड़े बहुत टैक्स देने पड़ते थे वो भी खत्म कर दिए बंगाल के लोग भूख से मरने लग गए वाई वोज पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियंस एंड द ब्रिटिश यानी के पिट्स इंडिया एक्ट जो कि उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने दिया था वो इंडिया और ब्रिटिशर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स बिकॉज इट वॉज द रियल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये एक्ट ब्रिटिशर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद एक्चुअली ब्रिटेन की इंडिया में हुकूमत शुरू हुई थी ज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन एज द केम आउट ऑफ द इंफ्लुएंस इंडिया पे ऑलमोस्ट हुत करने का सोच रही थी इंडिया उसके इंफ्लुएंस से बाहर निकल आया इंडिया अब डायरेक्टली आ गया ब्रिटेन के अंदर वाई इज हेस्टिंग कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता है बहुत से काम किए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सा फायदा पहुंचाया लेकिन इसके अलावा जो उसने काम किया वो ये था कि उसने इंडिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा करके वहां ब्रिटेन की हकूमत ले आया जिसकी वजह से अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया बिकेम अंडर इन्फ्लुएंस और फाइनली जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो पूरे का पूरा इंडिया ब्रिटेन के अंडर आ गया तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ उम्मीद है आप सारे लेक्चर अच्छे से सुनेंगे और याद रखेंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा الله حافظ